अल्लाह ताला की जात इज्जत और जिल्लत देती है, इदारे इमारतों से नहीं शख्सियात से बनते हैं। चीफ जस्टिस का 4 सदा में खिताब, जुडिशियल कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया। एहतसाब अदालत में एवन फील्ड रेफरेंस की समाअत, नवाज शरीफ मरियम नवाज की 7 रोज के लिए हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर, डीजी नैप को बतौर गवाह बनाने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज, 2 बजे सुनाया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में 1769 अफराद से सरकारी सिक्योरिटी वापस ले ली गई, आईजी खैबर पख्तूनख्वा की सुप्रीम कोर्ट, पेशावर रजिस्ट्री में रिपोर्ट, चीफ जस्टिस सलाहुद्दीन की कारकर्दगी से खुश। चीफ जस्टिस का खैबर पख्तूनख्वा में अताइयों के क्लिनिक 1 हफ्ते में बंद कराने का हुक्म, जाली डॉक्टर के खिलाफ इंक्वायरी क्यों बंद की गई, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, पेशावर से पानी के नमूने लेने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं लोड शेडिंग का मसला जानबूझकर पैदा किया गया, इस्लामाबाद में बैठने वालों को कराची की कोई फिक्र नहीं, कौमी मालियाती अवार्ड के बायकॉट का ऐलान। कराची के मेयर वसीम अख्तर की मजार इकबाल पर हाजिरी, कहते हैं कराची में लोड शेडिंग का बड़ा मसला है, के इलेक्ट्रिक और सुई सर्जरन के दरमियान अदायगी का मामला चल रहा है, एमक्यूएम का मैंडेट बरकरार है, जल्द मसला हल हो जाएगा। चलने से मौसम खुशगवार, लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी समेत कई शहरों में बारिश, पेशावर भी पानी पानी, बारिश से गंदम की तैयार फसल को नुकसान पहुंचने का खदशा। और शोबिस की दुनिया में बोंचाल, गुलुकारा मीशा शफी का गुलुकार अली जफर पर हिरासा करने का इल्जाम, कहा अब खामोश रहने का कल्चर तोड़ूंगी, अली जफर ने इल्जाम मुस्तरद कर दिए, अदालत जाने का ऐलान।